जिस तरह से पिछले 19-20 दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियों के तहत कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के सहयोग से सफलता पाई है, पूरे देश में एक उदाहरण बना है। और सरकार ने यह भी पूरे देश को बताने का काम किया है कि बिना लॉकडाउन किए हुए भी सख्तियां बरतते हुए हम कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये कहते रहे कि जीवन और जीविका दोनों साथ चलना है। 3 तारीख को जब पाबंदियां समाप्त होंगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मानना है कि संकट अभी टले नहीं है, लेकिन पाबंदियां जारी रखते हुए जो 2 बजे तक अनलॉक, 2 बजे के बाद जो अनलॉक होते हैं उसका समय अवधि 2 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, जिससे जो छोटे छोटे काम करने वाले, व्यापार करने वाले, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें इससे राहत मिले। दूसरा हमारा ये सुझाव होगा कि सरकारी कार्यालयों में 40% अटेंडेंस के आधार पर कार्यालयों में काम प्रारंभ किए जाने चाहिए। तीसरा सुझाव होगा कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए और शिक्षकों तथा 18 वर्ष से 25 वर्ष के उम्र के बच्चों को विशेष टीकाकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब आपस में मिलेंगे तो वो संक्रमण होने की संभावना है, और जिस तरह से तीसरे वेव से लोगों की आशंकाएं हैं, इसलिए बच्चों को बचाना आवश्यक है। और तीसरा और चौथा इम्पॉर्टेंट कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता जो लगातार हमारी और हमारे सरकार को कोसते रहे, उनको मूल्यांकन करना चाहिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों का, किस तरह से झारखंड आज सबसे पहले पायदान पर खड़ा है अपने लोगों को सुरक्षित रखने में। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इन सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी अमल लाते हुए कोरोना संक्रमण के जो सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह समाप्त हो रहे हैं, इसको और आगे जारी रखते हुए, सख्तियां बढ़ाते हुए इसकी समय सीमा 2 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक करना उचित होगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।